हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माच एडिटेशन। भाई आप सब कैसे हो? आशा करना आप सब अच्छे हो। तो भैया मैं सर का ये कॉन्सेप्ट हॉर्स का आ गया, तो भाई इसका ट्यूटोरियल करने में बहुत मेहनत लगा मुझे। भाई मैं पहले देखा तो मुझे लगा भाई ये ट्यूटोरियल हो ही गया नहीं, तो भाई आपका भाई तो कुछ ट्रिक लगाएगा, क्योंकि आपको वीडियो आपको दिखाना है मुझे। तो आपके लिए मैंने ये भैया मैं सर का ये पिक आपको दिख रहा होगा, तो इसको ही मैंने इरेज कर दिया बैकग्राउंड, तो इसको ही मैं आज एडिटिंग करने वाला हूँ। तो भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। और भाई PNG एंड बैकग्राउंड का टेंशन मत लो, आपका भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दिया है। अपने भाई को इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो कर लो, ऊपर लिंक मिल रहा होगा, मतलब सॉरी नीचे लिंक मिल रहा होगा, ऊपर सीन आ रहा होगा इंस्टाग्राम फेसबुक का, तो कर लो भाई, क्या कर रहे हो? तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, पिक्सआर्ट एप्लीकेशन इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। और आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन बैकग्राउंड को भी ओपन कर लिया हूं। तो गाइस बैकग्राउंड PNG के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस मैंने क्या करा, मैंने सीधे विजय मेहर को हटा के बैकग्राउंड बना लिया है। अगर मैं आप लोग को एक एक PNG एडजस्ट करके बताता तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते और आप लोग एडिटिंग सही से नहीं कर पाते। तो शैडो वैडो सब पड़ी मिल जाएगी, आप लोग को कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपनी फोटो को एडजस्ट करना है। तो गाइस मैं क्या करता हूं, ऐड फोटो पे जाके अपनी फोटो को ले आता हूं। सो गाइस आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैं अपनी फोटो को ले आऊँ। तो गाइस मैंने विजय सर का दूसरा वाला फोटो यूज़ कर लिया हूँ, तो ये है वो फोटो। तो सिंपली आप लोग को इस टाइप से एडजस्ट करना, शैडो वेडो पर मत ध्यान दीजिएगा, शैडो यहीं पे बनी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग नीचे अगर ब्लैक पैंट पहन सकते हैं तो प्लीज़ इतना कर लीजिएगा, ब्लैक पैंट पहन लीजिएगा नीचे, ठीक है। या फिर आप लोग के पास लोवर होगा, क्योंकि लोवर सबके पास रहता है ब्लैक, अगर आपके पास है तो वो भी पहन लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो क्या करना, आपको यहाँ से इरेज टूल्स पर चला जाना। तो मैं ये वाला पैर इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोग भी इरेज कर सकते हैं इस टाइप से आप लोग को इरेज कर देना होगा इस वाले पैर को, एंड फिर आप लोग को बता दूंगा आप लोग को फिर क्या करना है, ठीक है। एंड फिर आप लोग को इस टाइप से ऐसे डन करना है, इसे मतलब एडजस्ट आराम से करिएगा आप लोग अपने हिसाब से, ठीक है। मेरे हिसाब से मत करिएगा, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, ठीक है ना। फिर आप लोग को क्या करना वो मैं अभी बता दूंगा, तो पहले मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। करने में बता देता हूँ, आप लोग के यहाँ से रे टूल्स पे जाना, आप लोग के यहाँ से जाना है, इसकी हार्डनेस को कम कर देना, एंड गाइस आप लोग को ओपेसिटी को, फिर आप लोग को क्या करना है यहाँ हैंड के पास आप लोग को ऐसे रिमूव सा कर लेना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग रिमूव कर लीजिएगा, जैसे विजय सर के हैंड छुपे थे थोड़ी से, इस टाइप से आप लोग को कर लेना है, ठीक है। एंड आप लोग कर भी सकते हैं अगर आप लोग को करना है, वरना मत करिएगा। एंड आप लोग को फिर यहाँ से कर लेना है डन, ठीक है। एंड डन करने के बाद सो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं अब लग रहा है जैसे कि हम हॉर्स को दौड़ा रहे हैं इस टाइप से। एंड फिर आप लोग को क्या करना है गाइस, यहाँ से आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है, आप लोग को PNG दूंगा मैं, PNG आप लोग को सिंपली गाइस क्या करना, सीधे यहाँ से जाना है ब्लेंड पर, इसे कर देना स्क्रीन करने के बाद ऑटोमेटिक सेम विजय मेहर जैसा, जैसे कि विजय सर की फोटो में वो आ रहे थे ना, मतलब कि वाटर सेम लग जाएगा भाई, सेम बहुत ही बढ़िया है ये PNG, ऐसे डायरेक्ट एडजस्ट करेंगे ये लग जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग इस टाइप से इरेज कर लीजिएगा ये, वरना मतलब ये रहता है चौकूटा चौकूटा पता नहीं क्या रहता है, इसे आप लोग को इरेज कर लेना। और ये पैरों पे आ रहा है इसे भी थोड़ा थोड़ा सा कर लेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा लग रहा है ये वाटर, तो मैं ये थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड थोड़ा सा फेस से भी हटा लेता हूँ मैं थोड़ा सा, तो इसकी मैं और हार्डनेस ओपेसिटी बढ़ा के इरेज करता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप से, ताकि हमारा फेस दिखना चाहिए भाई। और बकाया तो ठीक है चल जाता है, बट फेस थोड़ा बहुत दिखना चाहिए, यूँ आप लोग को कर लेना है। एंड गाइस फिर आप लोग को डन कर लेना है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं हमारा फोटो सेम विजय मेहर जैसा एडिट हो गया है। एंड गाइस आप लोग को क्या करना, अब यहाँ से चला जाना ड्रॉ टूल्स पे, ठीक है। एंड ड्रॉ टूल्स पे आने के बाद 3 डॉट पे टैप करके फोटो को कर लेना है सेव। एंड सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं स्नैपसीड एप्लीकेशन पे आ गया हूँ। तो गाइस आप लोग को क्या करना, यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे जाके यहाँ से टून इमेज को ले लेना है। एंड आप लोग को ब्राइटनेस को कम करना है थोड़ा सा, एंड आप लोग को कंट्रास्ट को इंक्रीज कर लेना, ठीक है। और सैचुरेशन को माइनस तो इंक्रीज कर लीजिएगा गाइस, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा करते जाना अपने अकॉर्डिंग, और आप लोग लाइटरूम की मदद से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कर लेना डन। डन करने के बाद आप लोग को यहाँ से जाना डिटेल्स को ले लेना थोड़ा सा, एंड फिर आप लोग को यहाँ से करना डन। तो गाइस मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आप लोग को और भी एडजस्टमेंट करना है तो आप लोग लाइटरूम की मदद से कर लीजिएगा, या फिर यहीं पे स्नैपसीड में कर लीजिएगा। बट मैं और कुछ नहीं करता हूँ, इस वाले आइकन पे जाकर फोटो को करता हूँ सेव।